आगाज होने जा रहा है एक नई सीरीज का, इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड वुमेन। और वुमेन क्रिकेट के जो हमारे स्टैट्स हैं, जो हमारा विन रिकॉर्ड है, उसे कोई बीट नहीं कर सकता पूरे फैंटेसी फील्ड में। तो जब वुमेन का टूर्नामेंट स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले बंदे मेरे पास आके क्या बोलते हैं कि चीज भाई आप बस ये बता दो कि हमें कितना लगाना है, बाकी हमें पता है कि हमें सिर्फ प्रॉफिट ही कमाना है इस पूरे टूर्नामेंट में। तो एक नया दौर शुरू होने वाला है, दौर मतलब एक दौरा जिस पे जा रही है इंग्लैंड की टीम आयरलैंड वुमेन के साथ खेलने आयरलैंड की तरफ। इस चैनल को ज्वाइन करना है तो कौन सा चैनल होगा आपके पास? फैंटेसी काउंसिल। चलो चलो। तो ये मैच काफी अच्छा होगा, काफी ज्यादा कमाने वाला होगा। पहले मैं टाइम बता देता हूँ, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग आप 3:30 बजे ये मैच देख सकते हैं लाइव अपनी टीवी स्क्रीन्स पर। लेकिन उससे पहले कल ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड में कितना कमाया नॉटी बॉयज, जरा ये तो बता दो, क्योंकि कल के मैच में सारी प्रिडिक्शन फिर से एक बार एक्यूरेट गई। मैंने आपको बताया था, देखो हेड को मत बनाना कुछ भी, मैंने 10-1 का कॉम्बिनेशन बनाया जो ऑलमोस्ट ड्रीम टीम थी। मेरे पास डिफरेंशियल पिक कौन से थे? जॉश इंग्लिश, चलो कीपर में लेके आए थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही थी, लेकिन ग्रीन को कितने लोगों ने ड्रॉप किया, स्टॉइनिस को कितने लोगों ने ड्रॉप किया, इन दोनों को ड्रॉप करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी और वहीं पे हमने मार दिया अल्ट्रा मेगा जैकपॉट। और सिर्फ एक बंदा लिया मैंने स्कॉटलैंड की तरफ से, मैकमुलन, और सबसे ज्यादा पॉइंट्स किसने दिए? जी उसी ने। तो एक और मेगा जैकपॉट लगातार 200% विन रेट वाले मैच मैंने कवर किए, आज बारी आ गई है। इस मैच में भी कुछ मेरे यही प्लान्स है कि हम 100% विन रेट मारें। बेलफास्ट का ये मैदान रहने वाला है और बहुत सारे चेंजेस रहने वाले हैं इंग्लैंड वुमेन की टीम में। आप देख सकते हैं सबसे सीनियर प्लेयर इनकी कप्तानी करने वाली है जिनका नाम है केट क्रॉस, सब जानते होंगे आप। और इधर बहुत सारे प्लेयर है, गैबी लुइस है, ओरला है, ली पॉल है, और आपको यहाँ पे अरलाने कैली भी देखने के लिए मिलेगी। तो सारा लाइनअप्स और आज के मैच में क्या होगा सब चीज़ आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, और वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिए इस वीडियो को। फिर मैं करता हूँ स्टार्ट। अच्छा एक और चीज़, आज ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड की वीडियो नहीं बनाई, सीधा इसकी टीम डालूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो स्मॉल लीग टीम ऑस्ट्रेलिया वर्सेज स्कॉटलैंड की कहाँ आएगी? मेरे टेलीग्राम पर। और आज सबको सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं, गणपति बप्पा आ रहे हैं हम सभी के घर खुशियां लेके, और जब विघ्न हर्ता जाएंगे तो सारी हमारी परेशानियां हमारी कठिनाइयां अपने साथ लेके चले जाएंगे और दे जाएंगे गूज बम्स आगे ये लाइन बोल के, और दे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ हमें खुशियां। तो आप सभी को एडवांस में गणेश चतुर्थी की बहुत सारी बधाइयां। आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है? फैंटेसी काउंसिल का टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको किस तरफ मिलेगा? आपको इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। साथ ही साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने एक कमेंट पिन कर रखा है सिर्फ आप ही के लिए हुजूर, उस पे जाइए, टैप कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। फिर देखिए आपकी विनिंग्स कितनी तेजी से बढ़ने लगेगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जब आप करेंगे लाइक और कमेंट तभी तो जीत पाएंगे आप गिव अवे का प्राइस। छोटे इन्वेस्टर्स जिनके लिए 50 रुपये बहुत बड़ी बात होती है, उनके लिए मैं लाया हूँ 10 लकी विनर्स के लिए 300 रुपये का पेटीएम कैश जनाब। और अगर आप आते 10 बेस्ट कमेंट्स में तो आप ले जाएंगे 1000 रुपये का पेटीएम कैश। तो ये चीज़ करके रखिए, जितनी जल्दी कर देंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। मैदान पर आते हैं, ODI के स्कोर्स बताएंगे। यहाँ पे बेलफास्ट का ये मैदान है जो अच्छा खासा फास्ट मैदान है। यहाँ पे एवरेज स्कोर जो रहता है वुमेन्स में 180 से 220 रहता है। हाईएस्ट टोटल यहाँ पे बनाए 261 रन, लोएस्ट बनाए 82 रन जिसपे टीम ऑल आउट हो गई थी। अच्छा यहाँ पे 4 मैच खेले गए, मजे की बात है 2 डिफेंड हुए 2 चेज हुए, तो टॉस का कोई बड़ा रोल नहीं है अनलेस यहाँ पे बारिश होती है। तो यहाँ पे 200 से नीचे 2 बार बना, 250 और 299 के बीच में 2 बार बना, क्लियर हो गया। एक अच्छी बैटिंग विकेट है दोनों की तरफ से, थोड़े रिकॉर्ड्स देखते हैं क्योंकि आयरलैंड का ये होम ग्राउंड है। तो आयरलैंड ने अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा इतिहास रचा था जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन इतिहास रचा है। देखिए 20 अगस्त 2024 को अभी रिसेंटली यहाँ पे T20 की सीरीज हुई थी श्रीलंका वर्सेज आयरलैंड वुमेन के बीच में। आयरलैंड बनाती 122 रन 10 विकेट के नुकसान पे और 123 चेज कर जाती है श्रीलंकन वुमेन। 5 विकेट लेके जाते हैं पेसर्स, स्पिनर लेके जाते हैं 7, लेकिन ये सीरीज 2-1 से किसने अपने नाम करी थी? आयरलैंड की लड़कियों ने। बड़ी बात, पहली बार जीते हैं ये श्रीलंका के खिलाफ एक बायलेटरल सीरीज।
आयरलैंड ने बनाए 255 रन 5 विकेट के नुकसान पे। श्रीलंका 240 पे ऑल आउट, 15 विकेट गिरे टोटल। अब आप देखो आयरलैंड वुमेन बैटिंग तो अच्छी कर ही रही है नॉन स्टॉप, क्योंकि यहाँ पे अगर 255 बना रही है, 8 विकेट लेके जाते हैं यहाँ पे पेसर्स, स्पिनर लेके जाते हैं यहाँ पे 5 विकेट अपने नाम करते हैं। 16 तारीख को श्रीलंका और आयरलैंड वुमेन का मैच होता है, 260 बनाती है श्रीलंकाई लड़कियाँ, और ये चेज हो जाता है 261 रन। यहाँ पे ऑरला ने 100 रन मारे थे, बहुत गजब बैटिंग करी थी भाई, मैं फैन हो गया था। और यहाँ शायद गैबी लुइस ने मारे थे 100 रन। हम तो पूरे मैचेस देखते हैं, जब भी तो सब याद रहता है। 10 विकेट लेके गए थे पेसर्स और 5 विकेट लेके गए थे स्पिनर। तो एक बैटिंग विकेट है, आयरलैंड को हल्के में मत लेना। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड की जो टीम आ रही है वो उतनी स्ट्रांग टीम नहीं है, लेकिन आयरलैंड की एक स्ट्रांग टीम है जिनके पास ओपनर है। देखो यहाँ पे सैरा गैबी, गैबी लुइस को तो आपने देखा होगा, बहुत टाइम से ओपन करती हुई आ रही है, और अब आपको ये एक नए रोल में भी नज़र आ रही है, क्योंकि आयरलैंड की पहले कप्तान होती थी डिलानी होती थी और कभी कभी चेंज करते थे, तो ये सारे चेंजेस यहाँ पे हो चुके हैं। उनके बाद आती है एमी हंटर, एमी हंटर के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। ऑरला जो अभी इनफॉर्म है, बॉलिंग भी कराती हैं, बैटिंग भी करती है, जो बहुत ही अच्छी बात है। ली पॉल इनकी एक और सीनियर प्लेयर हैं, रेबेका स्टॉकेल, अरलाने कैली बहुत खेली हैं और बहुत ज़्यादा खेली हैं। इनकी बॉलिंग अच्छी है, इनकी बैटिंग अच्छी है, मेरे को लगता है एक बहुत बढ़िया की प्लेयर भी लगती हैं इस मैच के लिए। जेन मैकगायर, मैकगायर कब आके विकेट ले जाए, ना आप जानते ना हम जानते। अब यहाँ पे थोड़े नए बंदे आते हैं, फरिया सर्जेंट को तो आपने देखा होगा खेलते हुए, लेकिन डेलजेल और एक और मैकगायर, ये दो नई लड़कियाँ हैं। तो एक बार सबके रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कौन कैसा खेलता है। देखो गैबी लुइस कभी नहीं खेले हैं इंग्लैंड कि ये वाली लड़कियां जो अब खेलेंगी, और आयरलैंड की, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले एक मैच खेला था, वो सारे प्लेयर लगभग रिटायर हो चुके हैं। चलिए गैबी लुइस एक मैच खेली है इस मैदान पे, 9 रन बनाए थे लास्ट 5 मैचेस देखिए, 9 रन, 119, 39, 6, 102, हॉट इन फॉर्म, 2 शतक मार के आई हैं पिछले 5 मैचों में। सेरा फोर्ब्स 3 मैच में 32 रन है इस मैदान पे, और लास्ट 5 मैचेस में 0 रन, 2 रन, 30 रन, 3 रन, 5 रन, लेकिन विकेट नहीं मिले, और मुझे नहीं लगता ड्रीम टीम में काम आएंगी। लेकिन एमी हंटर 4 मैच में 108 रन, 6 विकेट अपने नाम, लास्ट 5 मैचेस देखिए, 0, 66, 42, 9, 17, मतलब बैटिंग चल रही है और इनफॉर्म भी है लड़की। ऑरला प्रेंडरगास्ट 3 मैच में 134 रन इन्होंने बनाए इस मैदान पे, यहाँ जो खेली थी 4 रन 0 विकेट, 11 रन 3 विकेट, 3 रन 0 विकेट, 9 रन 1 विकेट, 122 रन और 3 विकेट, जो सबसे बड़ी मैच विनिंग परफॉर्मेंस इन्होंने इस मैदान पे दी है। ली पॉल 4 मैच 107 रन 9 विकेट अपने नाम, 19-81, 7 डिड नॉट बॉल एंड बैट ऑन 6 रन, मतलब बॉलिंग ज़्यादा करा नहीं रहे। रेबेका स्टॉकेल 3 मैच में 80 रन, पिछले 5 मैच में आप देखिए 8-53, 19-4-21। गैबी लुइस, ऑरला, एमी हंटर और ली पॉल, अगर ये थोड़ा थोड़ा चल गई तो एक अच्छा फाइट दे जाएंगी इंग्लैंड की लड़कियों को, जो मुझे लगता है। अरलाने कैली 3 मैच 48 रन 5 विकेट अपने नाम कर रखे हैं, पिछले 5 मैचेस देखिए आप 35 रन, 1 रन 3 विकेट, 12 रन 2 विकेट, 0 विकेट, 2 रन 1 विकेट। फिर हम आते हैं जेन मैकगायर पे, 2 मैच में 7 रन 2 विकेट अपने नाम, उससे पहले 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 23 रन 2 विकेट। फिर आती है हमारी अलाना डेलजेल, 2 मैच में 2 विकेट है इस मैदान पे, पिछले 5 मैच में बड़े विकेट नहीं है, लेकिन बल्ले से थोड़ा थोड़ा योगदान है, तो मतलब बैटिंग तो लंबी है। फ्रिया सर्जेंट 3 मैच 16 रन 2 विकेट अपने नाम, 16 रन 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। बैटिंग लड़कियां सीख रही हैं सारी, आप देखिए इन्हें भी बैटिंग आती है, 10 रन 1 विकेट, 6 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट। ये हैं एमी मैकगायर, 2 मैच में 10 रन है इनके इस मैदान पे और 1 विकेट अपने नाम किया है। इंग्लैंड की लड़कियां बिल्कुल नई हैं, और मैं आपको बता दूं द 100 कंपटीशन से इनका सिलेक्शन ज़्यादा हुआ है, जिस वजह से आपको ये सारी अपनी टीम में आज नज़र आने वाली है। आइए टैमी ब्यूमॉन्ट से स्टार्ट करते हैं, ब्रॉनी स्मिथ को आपने खेला देखा होगा खेलते हुए ट्रेंट रॉकेट्स वुमेन में, अभी 100 वुमेन जो चल रहा था, तो ओपनर अच्छे हैं। अब यहाँ से ये टीम थोड़ी आगे पीछे होती है, स्कॉलफील्ड ये भी खेल रही थी ओवल इनविंसिबल के लिए मारिजा ने कैप वाली टीम में, फिर हमारी आ जाती हैं रियाना मैकडोनल्ड गे, ये भी शायद इनविंसिबल्स में थी, फरिया कैंप ये साउदर्न ब्रेव में खेल रही थी, बेस हेल्थ, मैडी विलियर्स, इसी वॉन्ग, केट क्रॉस, और अब पूरा पूरा जॉर्जिया डेविस, ये तो इस टेमी ब्यूमॉन्ट की टीम से ही खेल रही थी वेल्श फायर की तरफ से, और फिर आती है लॉरेन फाइलर। तो ये जो टीम है ना, ये एकदम कंप्लीट न्यू टीम। अब आप इसमें कितने बॉलर देख रहे हैं, मैं आपको ना गिनाना शुरू करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना कि कितने बॉलर्स खेल रहे हैं इस टीम से। एक फाइलर,
दूसरी डेविस। फाइलर के 10 ओवर होने की पूरी उम्मीद है क्योंकि बहुत तेज बॉल फेंकती है, विकेट लेने के पूरे चांसेस रखती है। फिर आती है केट क्रॉस, तीसरी मेन बॉलर। अब यहाँ से थोड़े चेंजेस शुरू हो जाते हैं, जैसे चौथी बॉलर होती है मैडी विलियर्स, पांचवी होती है इसी वॉन्ग। लेकिन क्या ये इन पांच बॉलर्स को यूज किया जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पास एक मेन लीड बॉलर है जिनका नाम है रियाना मैकडोनल्ड गे, 6। अब सातवीं बॉलर कौन सी आ जाती है? सातवीं बॉलर आती है फ्रिया कैंप। अब यहां मामला खत्म नहीं होता, स्कॉलफील्ड भी एक बॉलर है और नौवीं बॉलर है ब्रॉनी स्मिथ। तो भाई ये बेस हेथ को मैं अगर छोड़ दूं और टेमी ब्यूमेंट को ब्यूमोंट को अगर मैं छोड़ दूं, सिर्फ यही दो कीपर हैं, बाकी सब बॉलिंग कराती है। इसलिए आज मेन बॉलर सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है, जिसमें मुझे तीन तो नजर आ रहे हैं, फाइलर, केट क्रॉस और जॉर्जिया डेविस, जो मिला के मुझे लगता है 25 से 28 ओवर डालेंगी ही डालेंगी। अब बाकी सब में बटेगा, अब बाकी किस किस में बटेगा, जैसे हो गई मैडी विलियर्स, मैडी विलियर्स के साथ रियाना मैकडोनल्ड गे, फरिया कैम्प से शायद बॉलिंग ना कराएं, ब्रॉनी स्मिथ से शायद बॉलिंग ना करवाएं। तो ये सारा खेल, ये सारा फंडा है, लेकिन ले देके दो ही ऑफ स्पिनर है, एक मैडी विलियर्स है, एक ब्रॉनी स्मिथ है, तो बॉलिंग में बड़ी कठिनाई आई यार टीम बनाने में। आइए इनके मैचेस उठा के देखते हैं। देखो टेमी ब्यूमोंट ने लास्ट 5 ओडीआई में क्या किया है, 59 रन 21 59 9 34। ब्रॉनी स्मिथ 9 रन 2 विकेट, 12 रन 0 विकेट, 1 रन 13 रन 0 रन। बस ये देख के मैं थोड़ा परेशान हूँ कि लास्ट के कुछ मैचेस में इनसे बॉलिंग करा दी थी, तो कहीं आज करा ना दे। लास्ट 5 मैचेस ऑफ स्कॉलफील्ड 49 1 5 26 डिड नॉट बैट। फिर आते हैं रियाना मैकडोनल्ड के, देखो 51 रन 1 विकेट, 13 रन 3 विकेट, 0 रन 0 विकेट, 0 विकेट 1 विकेट, बल्ला गेंद दोनों चलाती है। फरिया कैंप 2 रन 0 विकेट, 2 रन 0 विकेट, 3 रन 0 विकेट, 11 रन 23 रन 1 विकेट। तो बॉलिंग तो मिल रही है लेकिन विकेट्स नहीं मिल रहे हैं। बेस हेथ 0 8 9 7 15 लगातार नहीं चल रही है। तो अगर मैं इन पांच में से आपको कोई बढ़िया प्लेयर बताऊं तो एक हो जाती है रियाना मैकडोनल्ड गे। ये हमारी डिफरेंशियल पिक होगी जो मैं आपको बहुत क्लियरली बता दे रहा हूं इस वीडियो में। स्कॉलफील्ड पे मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन टेमी ब्यूमोंट और ब्रॉनी स्मिथ में से कोई एक ओपनर बड़ी पारी खेल के जा सकती है। अगर वन डाउन खेल रही है स्कॉलफील्ड, तो हमने देखा कितनी अच्छी बैटिंग करी थी स्कॉलफील्ड ने, टेम्परामेंट है, 40 रन मार सकती हैं इस मैच में। बेस हेथ, फरिया कैंप, ये दो को हम बाहर कर सकते हैं अपनी टीम से। मैडी विलियर्स लास्ट 5 मैचेस देखिए आप, 6 रन 2 विकेट, 19 रन 4 विकेट, 3 रन 0 विकेट, 1 विकेट 1 विकेट, मतलब लास्ट पूरे 5 मैचेस में बॉलिंग में विकेट लेती हुई आ रही है। इसी वॉन्ग 1 विकेट, डिड नॉट बॉल, 4 रन 1 विकेट, 0 विकेट, 2 रन 1 विकेट। तो हम इसी वॉन्ग को कुछ कुछ कॉम्बिनेशन में बाहर कर सकते हैं। अभी तक हमने 2-3 प्लेयर तो बाहर कर ही दिए इंग्लैंड के, जो हमें बाहर करने जरूरी भी है। केट क्रॉस 6 विकेट, 0 0 1 4। केट क्रॉस बहुत सीनियर बॉलर है, इनको ड्रॉप करना थोड़ी बेवकूफ़ी होगी। जॉर्जिया डेविस इकलौती जेन्युइन ऑफ स्पिनर है इस टीम में। आप देखिए पिछले 5 मैचेस 1 विकेट, 6 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। फिर हम आते हैं लॉरेन फाइलर, जो बड़ी बॉलर है मेरे हिसाब से, जो स्पीड है बंदी की, 0 विकेट 1 विकेट, 0 विकेट 1 रन, 0 विकेट 1 विकेट, 0 विकेट। अब यहाँ पे इन बॉलर्स में तो मिल जाएंगे ओवर, खेल होगा बाद का शुरू कि हम अपने 3-4 कौन से ड्रॉप करें और फिर आयरलैंड की तरफ से कौन से 3-4 प्लेयर अपनी टीम में रखें। ये है हमारा मसला आज। इधर आ जाइए, क्या हुआ था जब ये लास्ट टाइम भिड़े थे? देखो इस मैच का कोई महत्व नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ, 274 रन ठोक दिए थे इंग्लैंड की लड़कियों ने, 16 रन टेलर, सेरा टेलर, हेदर नाइट जो अब कप्तान भी रह चुकी हैं, 13 रन क्लेयर टेलर, 27 शार्लोट एडवर्ड्स, 72 रन ये उस टाइम की कप्तान होती थी इंग्लैंड की टीम की, 24 रन ग्रीनवे, 11 रन गन, 67 रन मार्श ने मारे थे, लॉरा मार्श ने, और हज़ल ने मारे थे 24 रन, 15 रन एक्स्ट्रा भी थे। विकेट लेने वाले बॉलर्स कौन थे? देखो जील विलान 2 विकेट, हैदर विलान 1 विकेट, मैटकैल्फ 1, मैकार्थी 1, और 2 विकेट लेके गई थी इस सब बॉल जॉयस। ये बड़े बड़े प्लेयर होते थे आयरलैंड के उस टाइम पे, चेज करने आए, चेज नहीं कर पाए मोर देन ऑब्वियस, 27 रन 1 रन, शिलिंगटन तो रिटायर्ड हो गई, 5 1 23 43 रन लॉरा डिलानी उस अब इस टाइम की कप्तान, 7 0 0 5 0। यहाँ से किसने विकेट लिए? कैथरीन ब्रंट 3, आनिया श्रब्सोल 1 1 1 2 लिए, कॉलविन ने 1 लिया, मार्श ने, डैनियल हज़ल 1, और 1 लिया जेनी गन ने। ये हुआ था जब ये लास्ट टाइम आपस में भिड़े थे, मुझे भी नहीं याद, ये तो मैच बहुत ऑनेस्टली बताऊँ बहुत पुराना है, उस टाइम तो ये फैंटेसी पे भी नहीं होते थे।
हाँ तो भाई बहुत सारी बातें हो गई, अभी तक अगर आपने नहीं करा है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, वीडियो को कर देना लाइक। क्या प्यारी प्रेडिक्शन लेके आ रहा हूँ, लगातार समझा रहा हूँ कौन सी बंदी कहाँ पे आके बॉलिंग करेगी, कौन सा प्लेयर किस जगह आके क्या करने वाला है, सब कुछ बता रहा हूँ। तो जब इतना बता ही दिया है तो थोड़ी विनिंग परसेंटेज भी मैं आपको बताता हूँ क्या है इस मैच की। देखो स्ट्रेट तो आयरलैंड की लड़कियाँ नहीं हारेंगी, और एक रुपये के 10 रुपये मिलने हैं ट्रेडिंग पे आयरलैंड पे, ठीक है। तो आप अगर फर्स्ट बैटिंग करने आती है आयरलैंड, मुझे लगता है थोड़ा बहुत स्कोर करेगी अच्छा, जिस करके हम लोग अपनी टीम में इन लड़कियों पे भरोसा करके फर्स्ट ट्रेड कर सकते हैं आयरलैंड पे, और जैसे ही थोड़ी सी ऊपर आ जाए हम कैश आउट करके प्रॉफिट बना सकते हैं इंग्लैंड पे, क्योंकि अल्टीमेटली इंग्लैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सारी 100 वुमेन की अच्छी लड़कियाँ ये लेके आए हैं जो लगातार अच्छा खेलती हैं। की प्लेयर्स पे आ जाते हैं, केट क्रॉस सिर्फ 71% इनका सिलेक्शन है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है आज फैंटेसी काउंसिल की प्लेयर में ये बड़ा रोल प्ले करेंगी। अब फ्रंट विकेट ले जा सकती हैं, डेथ में आके बॉलिंग कराएंगी, और जब T20 होता है तो केस अलग होता है, जब ODI होता है तो केस अलग होता है, जिस वजह से मुझे लगता है केट क्रॉस एक बड़ी बॉलर है और आपको बहुत ज़्यादा काम दे सकती है। दूसरी तरफ आती है हमारी ऑर्ला प्रेंडरगास्ट, 88% सिलेक्शन, रिसेंटली ये शतक मार के आई हैं, श्रीलंका के खिलाफ एक वन साइडेड मैच को जिता के अपने नाम किया है आयरलैंड के लिए। लॉरेन फाइलर 92% सिलेक्शन है, बिल्कुल सही है, उठाना चाहिए अपनी टीम में। इधर से आते हैं अरलाना कैली जिनका 64% सिलेक्शन है, और मुझे लगता है अरलाना कैली कर जाएगी भाई ये काम, ये बॉलिंग से भी बैटिंग से भी आपको 30-40 के करीब पॉइंट्स आपको पकड़ा के जा सकती है। फिर हमारी आती है एसी वॉन्ग, 78% सिलेक्शन है, मैं आपको कहूँगा ड्रॉप करके ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि मुझे लगता नहीं इतने ज़्यादा ओवर इनको दिए जाएंगे। CVC पे आते हैं, देखो CVC में आयरलैंड से सिर्फ एक ही नाम बताऊँगा, ऑर्ला, दूसरी मुझे कोई नज़र नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कोई कैप्टन निकलेगा तो इंग्लैंड की तरफ से ज़्यादा चांसेस है, और बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, कोई रॉकेट प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ, तुम भी जानते हो क्योंकि इंग्लैंड स्ट्रॉन्ग टीम है। देखो लॉरेन फाइलर एक अच्छी कैप्टन हो सकती है अगर अपने पूरे 10 ओवर कराए। ब्रॉनी स्मिथ अगर बॉलिंग करती है इस मैच में तो सबसे सेफ और सबसे बेस्ट कैप्टन चॉइस है, क्लियर। फिर आते हैं मैडी विलियर्स, अगर फर्स्ट बैटिंग करती है ये टीम तो मुझे पता है मैडी विलियर्स की बैटिंग आ जाएगी, और मैडी विलियर्स को बैटिंग भी आती है तो यहाँ पे हमें फायदा मिलेगा। VC में ऑर्ला मैंने नाम आपको बता ही दिया, स्मॉल लीग में तो आप किसी को भी कर सकते हैं, और टैमी ब्यूमोंट एक अच्छी VC है क्योंकि टैमी ब्यूमोंट के वनडे के रिकॉर्ड्स बहुत गजब है यार। और फिर आती है पेज स्कॉलफील्ड, क्यों, क्योंकि स्कॉलफील्ड बहुत सीनियर प्लेयर है, मैंने देखा है क्या मैच्योर इनिंग्स खेलती है ये, जिस वजह से मुझे लगता है कि आपके बहुत काम की प्लेयर है। अच्छा 17 मैच हुए 16 जीत चुके हैं इंग्लैंड, आयरलैंड सिर्फ एक ही जीत पाई है। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कौन चलने वाला है आयरलैंड की तरफ से। देखो मुझे लगता है ऑर्ला, ली पॉल, अरलाने कैली और गैबी लुइस, ये 4 में से 2-3 प्लेयर तो ड्रीम टीम में आ ही जाएंगे आयरलैंड की तरफ से। इधर से मुझे लगता है टैमी ब्यूमोंट, रियाना मैकडोनल्ड, ये एक बड़ी की प्लेयर होगी जो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, और केट क्रॉस, जॉर्जिया डेविस, लॉरेन फाइलर, ब्राउनी स्मिथ, ये नाम मुझे नज़र आ रहे हैं, बैस हैथ, फरिया कैंप और मैडी विलियर्स और इसी वॉन्ग, इन 4 में से अगर कोई ड्रीम टीम में आया तो जब आएगा, जब फर्स्ट बैटिंग कर रही होगी इंग्लैंड, और वो भी सिर्फ 2 प्लेयर जिसमें एक फरिया कैंप और मैडी विलियर्स का नाम मैं लिख सकता हूँ। जीतने वाली टीम इंग्लैंड ही है, दूसरी कोई नहीं। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो सबसे पहले लाइक करो, कमेंट करो, करते जाओ बाप, चेक करो और चेक करो मेरी स्मॉल लीग टीम कहाँ पे, माई मास्टर 11 पे, एक ऐसा ऐप जहाँ पे कमीशन कम है, एक ऐसा ऐप जहाँ पे कंपटीशन तो बहुत ही कम है। आपने मेरी विनिंग्स देखी, आपने देखा है मैं कितना ज़्यादा जीतता हूँ यहाँ पे, कितना ज़्यादा कमाता हूँ, तो आप भी किस चीज़ का वेट कर रहे हो जनाब, अभी के अभी डाउनलोड करें माई मास्टर 11 ऐप, इस कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पिन कर रखा है सिर्फ आपके लिए, खेल के देखो मज़ा ना आए तो बोलना मुझे ये बात, टीम बना लेते हैं। अब देखो ब्यूमोंट को रख रहा हूँ कीपर में, बैटिंग में जा रहा हूँ मैं गैबी लुइस को मैंने ले रहा, स्कॉल फील्ड ले सकते हैं, ली पॉल लेके आ रहे हैं लोग, मजा आएगा, ब्रॉनी स्मिथ ले रहा हूँ मैं, ऑलराउंडर में मैं ऑर्ला कैली, रियाना मैकडोनल्ड गे, फरिया कैम्प को अभी जाने देते हैं, 4-6-5 बॉलर भी चाहिए, केट क्रॉस, जॉर्जिया डेविस, लॉरेन फाइलर की 17% सिलेक्शन है, देखो कितना गजब मजा आएगा, हमारे पास कितने रह गए, 2 प्लेयर की जगह है और एक मैडी विलियर्स ले लूँ अगर, और एक ले लूँ, स्कॉलफील्ड हो गई, ब्राउनी स्मिथ हो गई, रियाना मैकडोनल्ड गे मैंने ले ली ना,
77% है मैं डिविलियर्स हो गई। फरिया कैंप ले या इसी वोंग ले, चलो इसी वोंग लेते हैं। अब हमने कौन कौन सी छोड़ दी इंग्लैंड से, बैस हेल्थ छोड़ दी, फरिया कैंप छोड़ दी, एक बंदी और छोड़ी है यार, स्मिथ, कॉलफिल्ड, ड्यूमोंट, केट, एक दो तीन चार पाँच छः, हाँ ठीक है ये टीम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इस टीम से। अब यहाँ पे सीवीसी का खेल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है यार। देखो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप सीवीसी जा रहे हैं हमें देखना पड़ेगा टॉस कौन जीता, और ये पूरी आपकी कॉल है। मैं अगर आपको बहुत रिस्की ऑप्शन बता दूंगा तो आप डर जाओगे। अगर पहले बॉलिंग करती है ये टीम तो हम सीवीसी जा सकते हैं जॉर्जिया डेविस और रियाना मैकडोनल्ड गे के लिए। अगर आयरलैंड पहले बॉलिंग करती है ओरला के लिए हम सीवीसी हमारी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बस उस केस में हमें देखना है कि ओरला को सी बनाना है या वीसी, और वीसी अगर हम सी ओरला को करते हैं तो वीसी फिर हम रियाना मैकडोनल्ड गे को कर सकते हैं। तो ये मेरी कंप्लीट सजेशन है, कंप्लीट स्मॉल लीग टीम है। कुछ चेंज होगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट करूंगा ही करूंगा, तो मेक श्योर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखा हुआ हो। ठीक है, फिर हम मिलते हैं इस मैच के टॉस के बाद। ऑस्ट्रेलिया वाली टीम भी चाहिए तो टेलीग्राम पे आ जाएगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।